बिहार में लगातार बाढ़ का कहर बढ़ रहा है, इसमें कोई दो शक नहीं। आपको बता दें कि आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। बिहार में आई बाढ़ की वजह से खास तौर से कोरोना वायरस से एक तरफ मार झेल रहा बिहार के लिए ये बाढ़ दोहरी मार बनकर आई है। इस मार को लेकर आपको बता दें कि लगातार केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही है। आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने भी बाढ़ को लेकर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ ही देर पहले बड़ी बात लिखते हुए लिखा है कि बिहार में कोरोना महामारी व बाढ़ पीड़ित लाखों गरीब परिवारों की सरकारी उपेक्षा व राहत अभाव आदि के कारण उनकी बदहाली के दर्शे स्थित राष्ट्रीय चर्चाओं में है। वह नाराज लोग विधायकों और सांसदों को भी बंधक बना रहे हैं, फिर भी सरकार उदासीन और गैर जिम्मेदार बनी हुई है, जो काफी ज्यादा दुखद है, अमानवीय है। विचित्र बात यह है कि बिहार में हर स्तर पर ऐसी सरकारी दुर्व्यवस्था और लोकहित की अनदेखी तब हो रही है जब वहां विधानसभा का आम चुनाव भी काफी ज्यादा नजदीक है। इससे जनता के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि या तो केंद्र व बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव पर सही नहीं कराने का निर्णय लिया है या फिर उनकी सेवाएं नहीं करना चाहती है। तो यहाँ पर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने बड़ा निशाना साधा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर कि एक तरफ लग रहा है कि चुनाव नजदीक है लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार है वो किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर रही है। इससे ये साफ नजर आता है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें समय पर चुनाव नहीं करवाएगी। लगातार चुनाव भी बिहार के अंदर करवाने को लेकर गहमा गहमी, आदि लोग कह रहे हैं कि चुनाव समय पर होने चाहिए, तो काफी ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि अभी समय पर चुनाव नहीं होने चाहिए, कोरोना वायरस के बाद होने चाहिए। लगातार हम समझने की कोशिश करें चीज आप नजर आ रही है कि कुछ भी हो लेकिन बाढ़ का कहर झेल रहे बिहार वासियों के लिए कोरोना वायरस और बाढ़ दोनों मिलकर एक तरह से कहर टूट पड़ा है।